अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं TM न्यूज़ TV। पेश खिदमत है स्टेट लाइफ हाउसिंग सोसाइटी इलेक्शन 2022 के हवाले से रेजिडेंट्स ग्रुप्स की तरफ से एक तफरीही प्रोग्राम का इनेकाद करवा कर एक नई तारीख रकम कर दी गई। इस अफरातफरी के दौर में हर शख्स कुछ तब्दीली चाहता है ज़िंदगी में, खुशगवार तब्दीली तफरी के बगैर मुमकिन नहीं। और अगर वो तफरी आपको अपने घर में मैसर आ जाए तो सोने पे सुहागा का काम करती है। रेजिडेंट ग्रुप ने स्टेट लाइफ रिहायशियों को उनके घर में ये तफरी मुहैया करके रिहायशियों में खुशगवार तब्दीली और अपनी मकबूलियत में इजाफा कर दिया और अपना मकसद यानी इलेक्शन पैगाम भी घर घर पहुंचा दिया। ये उनकी बड़ी कामयाबी है। ये तफरीही प्रोग्राम देखते ही देखते जलसे की शक्ल इख्तियार कर गया। मजबूरन रेजिडेंट ग्रुप की आदत को तकारीर करना पड़ी, जो इलेक्शन में कामयाबी की तरफ एक बड़ा कदम है। इस तफरीही प्रोग्राम में रंगारंग स्टॉल लगे हुए थे जिसमें ज्वेलरी, शूज़, जूते, खुस्से, रवायती खुस्से, गारमेंट्स, कपड़े व दीगर अशिया के साथ साथ गोल गप्पे खाने के लिए टिक्का कबाब और सबसे एक अनोखी चीज़ जिसको वो आम जबान में कहते हैं माई बूढ़ी का झाटा, यानी कि चीनी से बने हुए वो लच्छे नुमा लच्छे जो बना के बेचे जाते हैं, वो भी मशीन लगाई गई थी। साथ में जूस और मिल्क शेक की मशीनें भी लगी हुई थी। घोड़े और ऊंट की सवारी बच्चों का पसंदीदा खेल था। बच्चों ने बड़े खुश होकर बड़ी अच्छे तरीके से इंजॉय किया, घोड़े पर सवारी की, ऊंट पर सवारी की और खुश हुए। उसके साथ साथ बच्चों के वालदैन, माएँ, बहनें, बेटियां सब ही ने इस तफरीही प्रोग्राम में शिरकत की और अपने आप को रेजिडेंट ग्रुप का हिस्सा जाहिर किया और रेजिडेंट ग्रुप की हौसला अफजाई की। Yeah।
दानी भाई बैठो, किसने बैठना यार, तस्वीर बनाऊं आपकी। चलो उठाओ यार इसको, उठाओ जरा, उठाओ उठाओ इसको। इस प्रोग्राम से रेजिडेंट ग्रुप की मकबूलियत में खातिर खा इजाफा हो गया। देखते रहें TM News TV। आइंदा प्रोग्राम तक इजाज़त, अल्लाह निगेबान।